हमारा बजाज जमनालाल बजाज राजस्थान के सिकर गांव में 1889 में पैदा हुए। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, पर उनको सिकर के ही बच्चाराज सेठ ने गोद लिया जब वो 5 साल के थे। 1918 में उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से राय बहादुर का टाइटल भी दिया गया और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत उन्होंने इस टाइटल को वापस कर दिया। 1920 में उनकी पोस्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस में एज अ ट्रेजरर हुई और उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इनफैक्ट वो गांधी जी के राइट हैंड की तरह काम करते थे और उनकी काफ़ी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहीं। आज़ादी से पहले हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। एज अ ट्रेजरर उन्होंने गांधी जी के साथ ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की भी शुरुआत की, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट के तहत खादी की मैन्युफैक्चरिंग होती थी।